हाय दोस्तों, हनी के ऊपर जो हम QA सीरीज बना रहे हैं उसका ये पार्ट 4 है। लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या जो लोकल हनी होता है वो जो एलर्जी वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है या नहीं है। तो मेरा नाम शहजाद सिंह कपूर, आई एम को फाउंडर हनी मैन। तो आज इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। कई लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। एलर्जी की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि पर ना आसपास फ्लावर चल रहे होते हैं, उसके जो पोलन कंटेंट है उसकी के कारण बंदे को एलर्जी हो जाती है। पर ज्यादातर मैंने ये देखा कि ये एलर्जी की प्रॉब्लम हमारे कंट्री में, इंडिया में काफी कम है। या अगर अमेरिका में जाओ तो वहां पर एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या यूरोप में जाओ वहां भी लोगों के पास एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जैसे ही उनके आसपास फ्लोरा और फोना स्टार्ट होता है तो वहां से जो हवा चलती है तो पोलन थोड़ा उड़ता रहता है, तो उस पोलन के कारण उनको ये प्रॉब्लम ये रहती है, तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम, गला बंद, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए काफी साइंटिस्ट ने जो रिकमेंड करते हैं कि अमेरिका में तो बहुत ही पॉपुलर है कि जब भी आपने हनी लेना है तो अपने लोकल ओरिजिन से लो। इसका बड़ा एक साइंटिफिक रीजन है। रीजन ये है, बीज हनी को कलेक्ट करती हैं, आपके आसपास के रीजन से कलेक्ट करती हैं, उस फ्लावर से कलेक्ट करेंगी, तो हनी के साथ साथ वो पोलन भी अपने करती हैं, क्योंकि हनी तो उसको चाहिए। हनी कार्बोहाइड्रेट की नीड को पूरा करता है, जो पोलन है वो प्रोटीन की नीड को पूरा करता है, और हनी और पोलन मिलकर एक कंबाइंड फूड बन जाता है बीज के लिए, या बीज के बीज में जो लार्वा या प्यूपा होता है, जो उनके बच्चे आप बोल लो, और उनके लिए ये उनके फूड की कमी को दूर करता है। पर जब हम हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ वो पोलन भी हनी के साथ आ जाता है, और जब आप हनी के साथ कहीं ना कहीं स्वरूप में आएगा। अगर रॉ हनी है तो पोलन उसमें ज्यादा होगा, अगर फिल्टर किया है तो वो पोलन उसमें कम होगा। तो यहाँ पर साइंटिस्ट और डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने जिसको भी एलर्जी की प्रॉब्लम है तो अपने लोकल एरिया के हनी को वो कंज्यूम करें, इम्यून सिस्टम है अब वो रेडी हो जाएगा इस सबसे लड़ने के लिए। तो हमारे पास भी 13 तरह के अलग अलग लोकल हनी है जो हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हम खुद भी पैदा कर रहे हैं, और इसके अलावा हम बहुत अच्छे जो फाइनेस्ट बी कीपर हैं उनसे वो हनी लेते हैं। तो ये 13 तरह के हनी है, आप पीछे देख सकते हो। तो आप अपने रीजन के हिसाब से भी किसी ना किसी हनी को आप चूज कर सकते हो अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम है। वैसे इंडिया में ये प्रॉब्लम कम है। इंडिया में तो हनी आपने अगर खाना है तो हेल्थ बेनिफिट के लिए खाना है, आप चाय में हो या कॉफी में हो या कोई स्वीट्स बनानी है उसके अंदर हनी यूज कर रहे हैं ये, क्योंकि ये हनी जो आप रिफाइंड श्यूगर यूज कर रहे हैं उससे तो कई गुना बेटर है। तो आप विजिट करें मेरी वेबसाइट में, उसमें आपको और भी हनी रिलेटेड आपसे काफी सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो हनी रिलेटेड तो आप मुझे बताएं, कोशिश करूंगा कि उनके उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू।